चलो तो न्यू टाइप है क्वेश्चन है 1 2 3 का अर्थ मीनिंग है कोल्ड इज द वेदर हियर 3 5 6 का अर्थ मीनिंग है हॉट कोल्ड डे 5 8 9 का अर्थ है मीनिंग है डे एंड नाइट ठीक है क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताइए हॉट का मीनिंग क्या होगा ठीक है ऐसे सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है पहले देखो पहले ये देखना है पूछा क्या है हॉट ठीक है डायरेक्ट ये पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे देखो कि समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन के लास्ट में देखना है पूछ क्या रहा है उसको अंडरलाइन करना है ऐसे अंडरलाइन करने के बाद देखना है कि हॉट किस में है ठीक है तो देखो हॉट इसमें है क्या हाँ ये है पकड़ में आ गया अब देखो इसमें से 3 5 6 में से कोई एक होगा मालूम है ऑप्शन देखो 3 5 6 में से कोई एक होगा तो 9 तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें है ही नहीं और कहीं पर नहीं है ना हॉट फिर उसके बाद 8 भी नहीं हो सकता अब सवाल आता है 5 या 6 में ठीक है 5 और 6 में देखो अब देखो ये 3 यहां है तो इधर देखो कि क्या चीजें रिपीट है दोनों में तो कोल्ड और कोल्ड रिपीट है मतलब कोल्ड का मीनिंग क्या होगा कोल्ड का मीनिंग है 3 पकड़ में आ गया ये 5 और ये 5 सेम है सेम वर्ड तो यहां पर देखो कोई ऐसा चीज है जो सेम सेम दिख रहा हो तो डे है मतलब डे का मीनिंग क्या हो गया 5 हो गया बचा क्या जब 3 का मीनिंग ओल्ड है और डे का मीनिंग 5 है तो बच क्या गया हॉट तो हॉट का मीनिंग क्या होगा 6 आंसर तुरंत दिखते ही बना देना है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में मंडे इज अ हॉलीडे को एस ए डी ए पी ए एन ए लिखा गया है दे एंजॉय अ हॉलीडे को डी ए एन ए टी ए के ए लिखा गया है तो बताइए मंडे को क्या लिखा गया सेम चीजें हैं इसमें वही है सेम मंडे इज अ हॉलीडे दे एंजॉय अ हॉलीडे इसमें क्या चीज रिपीट है ए रिपीट है हॉलीडे रिपीट है ए रिपीट है हॉलीडे रिपीट है ठीक है अब देखो इसमें अ हॉलीडे तो इसमें क्या क्या है देखो इसमें डी है डी ए है ठीक एन ए है एन ए है दो चीज मिल गया ठीक है अब देखो ये दो चीज इसमें नहीं है टी ए के तो दे और एंजॉय का दे का कोरिलेट टी ए से होगा या फिर के से होगा एंजॉय का कोरिलेट टी ए से होगा या फिर के से होगा हमें मालूम नहीं चल पा रहा है हाँ लेकिन इसका अ हॉलीडे डी ए डी ए यहां पर भी हॉलीडे है यहां पर भी हॉलीडे है तो डी ए का मीनिंग क्या निकल गया हमारे पास अ हॉलीडे का मीनिंग डी ए एन निकल गया समझ में आया है अब देखते हैं ये हो गया ये तो नहीं हो सकता हमारे ये ऑप्शन में है क्या कहीं पर नहीं ठीक अब देखते हैं इज और मंडे क्या इसमें इज है नहीं है मंडे और इज है या तो ए से इस का होगा या तो पी ए होगा इस का ठीक है दोनों हो सकता है भाई इस या तो ए से होगा या तो पी ए होगा फिर मंडे को देखते हैं मंडे का भी मीनिंग या तो ए से होगा या तो पी ए होगा हमें एक्यूरेट नहीं बताया है तो यहां पर आंसर क्या होगा ए से होगा कि पी ए होगा कि ए से या पी ए होगा यहां पर आपको दोनों लेना है जैसे कि मंडे तो मंडे को हम क्या कह सकते हैं मंडे को हम ए से भी मान सकते हैं और पी ए भी कह सकते हैं समझ में आया इसको भी हम ए से कह सकते हैं और पी ए कह सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको एक्यूरेट नहीं बताया गया है कि मंडे का मीनिंग क्या होगा दोनों में से एक हो सकता है तो इस का भी बोले तो ए से या पी ए ही आंसर लेना है आपको समझ में आया क्योंकि एक्यूरेट नहीं दिया गया है ठीक समझ में आया कहीं पर भी कुछ डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे